इधर चलो अच्छे से, मम्मा की तरफ देखो, मम्मा की तरफ देखो, ईशो ईशो मम्मा की तरफ देखो, ईशो ईशो मम्मा की तरफ देखो। दोस्तों आपके अपने चैनल एंटी ब्लॉग धनी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ के भी होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले है ना, आप लोग इसे इंजॉय कीजिए। मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि पहले ना आप इसे इंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तो ये अंकल जी है, जैसे कि इनका रिटायरमेंट हो गया है, हमारे ब्लॉक में रहते हैं। तो वही जैसे कि रिटायरमेंट होता है ना, तो बहुत अच्छे से जिसके ढोल बाजा और बहुत अच्छे से मतलब ये किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और मतलब बुरा भी बहुत लग रहा था, होता है ना कि हमारे यहाँ पर रहते हैं फिर ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए चले जाएंगे, तो थोड़ा सा ना मन में बुरा भी लगता। और फिर हम लोग आ गए थे फंक्शन अटेंड करने के, मतलब रिटायरमेंट का, जैसे कि यहीं पर आज हम लोग का डिनर वगैरह था। ये लोग सब ईशिया आर्या ईशु वगैरह ये सब हमारे ब्लॉक में रहते हैं। अरे वाह ईशु, क्या है बेटा ये? क्या है ये? कम कप कि कम? कम कम है कप? हाँ। किसका कप है? किसका है? कौन भैया? कौन भैया? ये देखिए गांव से सीताफल लेकर आए थे, एक मिनट यहाँ से दिखाती हूँ। तो पूरे फूट गए पता है, क्योंकि इस पर ना वेट रख दिया होगा क्योंकि बस में डाल दिए थे वहां से। तो ये देखिए पूरे फट गए, फट नहीं गए फूट गए। ये देखिए बहुत सारे दिए थे। तो मैंने ना वहाँ की ना छोटे छोटे क्लिप मैंने शूट की थी, क्योंकि पता है मैं कहीं पर भी जाती हूँ ना तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी उन सब चीज़ों में बिजी हो जाती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ। और क्या मैं शूट करते रहूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ क्या इन सब चीज़ों में लगी रहूँ, क्योंकि इंजॉय करने के लिए ना ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। और होता है ना यार कि बहुत सारे लोग रहते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो उनके साथ बैठो उठे अपना टाइम स्पेंड वगैरह करो, तो इसी कारण मैं बहुत कम शूट करती हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग सीताफल खा रहे हैं। ये नहीं पीते, पानी नहीं पीते सीताफल के ऊपर, सर्दी हो जाती है, नहीं पीते बेटा। अब ईशु को कौन समझाएगा सीताफल के बाद पानी नहीं पीते, पर ईशु तीर ये गर्मी अरे गंदी, उसको नहीं पिला, उसको नहीं पिला। ये देखिए पूरा इसमें से कॉटन निकाल लिया ईशु। अरे कब जब से मिला नहीं ईशु को, तब से ईशु बस इसको ही खेल रही है। घर के अंदर ही रहना ठीक है, आ रही हूँ मैं कुत्ता लेके, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलना। हाँ ओके। और ये मामा ऐसे भर के नहीं रखो बेटा, इसके जो सेल होंगे वो डाउन हो जाएंगे ना, तो बस आ रही हूँ मैं, जा रही हूँ मैं भी कड़ी पत्ता लाने के लिए। ईशु को मैंने मना कर दिया कि बाहर मत आना करके। एक मिनट तोड़ लेती हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैं बोलती थी ईशु से कि मैं हीरो बना के देती हूँ, मतलब हीरो जैसे करके देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ईशु को मतलब ऐसे कर दे रही थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि अरे वाह मुझे हीरो जैसे बना कर दे रहे। बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे चीज़ें ना, ईशु को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो अपने आप को बार बार मिरर में देखेंगी, देखती है कि मैं कैसे लग रही हूँ, और स्माइल करेगी, छुप जाएगी, शर्म आएगी, ऐसा करती है ईशु।
तो यहाँ पर है ना ईशु ने पानी फैला दिया था, उसकी जो साइकिल है उसको भी गीली कर दी थी, तो मैंने उसको सुखाने के लिए बाहर रख दिया है। तो ये देखिए दोस्तों, बन गई मेरी कढ़ी। आज मैंने कढ़ी चावल ही बनाया है, क्योंकि मॉर्निंग में पराठे बना लिए थे और सब्जी बना ली थी, और गैस निकल गया, जल्दी से ईशु को सुलाना है मुझे। चावल ये देखिए ये बन रेडी हो गई हमारी थाली, मैं और ईशु खा लेंगे। ईशु के पापा सो रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। एक मिनट यहाँ से स्विच ऑफ कर देती हूँ, बाहर से कर देती हूँ, क्योंकि ये ट्यूबलाइट का नहीं, इसी कारण कर लिया। देखिए आ जाओ ईशु, खाना खाने आओ बेटा से। ओके ठंडा हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने कढ़ी चावल ही बनाया है, क्योंकि पराठे वगैरह दिन में बना लिए थे और भूख नहीं थी मुझे बिल्कुल भी, और इसके पापा को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। जैसे पराठे सब्जी भी दिन में मीन्स के मॉर्निंग में खा लो ना, तो फिर दोपहर में है ना जैसे कि लंच वगैरह में इतनी भूख नहीं लगती है, तो इसी कारण मैंने सोचा कि चलो कढ़ी चावल बना लेती हूँ और इसको भी यहाँ पर खिला दूँगी। इसको भी बहुत अच्छे लगते हैं कढ़ी चावल। तो बस यहाँ पर हम लोग का लंच वगैरह हो गया है और ईशु के पापा सो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने दोनों ने ही कर लिया लंच। वो जब उठ जाएंगे तब उनको मैं दे दूँगी कढ़ी चावल गरम गरम, मीन्स कि गरम कुकर वगैरह बंद करके रख दिया तो गर्म ही रहे, कढ़ी गर्म करके दे दूँगी। तो बारिश का मौसम हो गया है, मैंने सोचा कि चलो कपड़े है ना लेकर चली जाती हूँ अंदर, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कब बारिश आ जाती है पता नहीं रहता है, तो फिर कपड़े पर ही हमारी मेहनत ऐसे चले जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे कि मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपके यहाँ पर कौन कौन से फ्लावर लगाए हैं, तो ये पहले ना यहाँ पर एक आंटी जी रहती थी, उन्होंने लगाया है और वो बहुत अच्छे से केयर करती थी, जैसे मैं नहीं कर पाती, बट अब मुझे यहाँ पर रहना है तो मैं ज़रूर यहाँ पर केयर करूँगी। तो बस थोड़ी थोड़ी मैं केयर अपने जो गार्डन की है, छोटा सा आंगन गार्डन जो भी बोलो उसकी केयर है ना आजकल मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जैसे चारा उगाता है ना, तो ये चारा है ना मुझे निकालना है, जैसे कि मैं जब भी घूमती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा करते हुए मैं क्या करती हूँ, जैसे घूमते घूमते जो भी दिखता है वो मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो आंटी जी वगैरह आती है ना उनसे बोलो वो करती नहीं है, उनसे बोलो ना कि एक्स्ट्रा पैसे ले लो तो फिर भी नहीं करती है, और उन लोगों के पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, जिनके पैसे देती हूँ वही तो काम अच्छे से करते हैं, तो एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे ना। तो इसी कारण मैं ऐसे घूमते घूमते जो भी मुझे दिखता है तो वो कर लेती हूँ, तो इससे मेरा आंगन मतलब आजकल क्लीन रहता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कैरे वगैरह भी मैंने आज मॉर्निंग में थोड़ी साफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा बाहर ईशु को लेकर आती हूँ ना घुमाने के लिए तो मैं भी कर लेती हूँ, तो उससे क्या हमारे काम भी हल्के हो जाते हैं, आंगन भी साफ दिखता है, और बस थोड़ा सा बारिश का ये जो मौसम है ये चला जाए, उसके बाद जैसे फिर अच्छे से आंगन को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि गंदा हो जाता है ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर ये कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके रख दूँगी, तुरंत कपड़े रख लो ना फोल्ड करके तो काम हो जाता है, नहीं तो पता है हम लोग बात के लिए टाल देते हैं तो वो काम होता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। तो इसके कारण मैंने सोचा कि चलो अभी है ना काम कर लेती हूँ, जैसे कि तुरंत ही जो काम है वो कर लेती हूँ, तो उससे ना हमारे काम भी कम हो जाता है, बर्डन भी कम हो जाता है और काम बहुत इजीली हो जाता है। तो ये जो कालीन है ना मैंने सोचा यहाँ पर डाल देती हूँ, जिससे कि साफ हो जाएगा बारिश आएगी। बारिश हो रही, मन तो ऐसा कर रहा है कि चले जाओ बारिश में नहाने के लिए, बहुत प्यारा लगता नहाना, बहुत अच्छा। पता है कॉलेज में ऐसा था, जैसे कॉलेज टाइम में हम लोग पता बारिश होती थी ना तो हम लोग नहाने चले जाते थे छत पर, और इतना अच्छा लगता था ना बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करना, बहुत याद आती कभी कभी है ना कॉलेज के दिन की, बहुत ज़्यादा याद आती है मस्ती। ये देखिए यहाँ पर बारिश, पता नहीं यहाँ से अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी है ना लाइट जा चुकी है। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, पीछे से आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट चली गई है, और मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को एंड करना है तो मुझे बाहर आकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, अंधेरा है, और बस ऐसे ही बारिश को देखने का मन कर रहा था, और ऐसे ही मतलब कॉलेज की यादें जो होती है ना, जो फ्रेंड रहती है उनके साथ मस्ती करना अच्छा लगता ना, कभी कभी ना वो सब बात ना बहुत याद आती है, और सब पता है अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं ना, तो कभी कभी मेरी है ना जैसे मेरी फ्रेंड है खुशी, तो उससे ना कभी कभी बात करने का मन करता, पर उसका भी छोटा सा बेबी है ना तो वो भी बिजी रहती है, तो होता है ना जो हमारे करीब होता है तो उसकी ज़्यादा याद आती है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशबू की याद आती है, मतलब उसको प्यार से हम लोग खुशी करते हैं तो उसकी ज़्यादा ना सबसे ज़्यादा याद आती है, फिर सभी से तो नॉर्मली बात हो ही जाती है।
तो बस इसके साथ तो इतनी मस्ती करते थे हम दोनों, घूमना फिरना बहुत मज़ा आती थी, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगता था। हम लोग पता है किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बस हम दोनों ही घूमते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो बस कभी कभी हमें पुराने बातें याद आ जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और बैक कैमरा शूट करती हूँ, पता नहीं सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे ये भी बताइएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।